हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ यासर एंड यू वाचिंग द अल्फा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा 4 महीने का अब तक का रिज़ल्ट। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है एक्साइटेड होंगे मेरा रिज़ल्ट देखने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बता चुके हैं कि वो वेट कर रहे हैं मेरे रिज़ल्ट के आने का। 4 महीने अगर मैं कहूँ तो 4 महीने में रिज़ल्ट आना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता, एक तरह से इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं। कम से कम 6 महीने तो लगते हैं किसी का भी रिज़ल्ट आने में। तो मेरा भी रिज़ल्ट 100% नहीं आया है, इसको 50 या 60% ही कहेंगे मैं। लेकिन अभी तक जितना आ गया है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जो मेरी आगे की 1 इंच की ये जो हेयर लाइन थी वो विजिबल थी, मेरी स्कैल्प विजिबल थी। लेकिन आप आज की डेट में देखें तो बिल्कुल एकदम नेचुरल ये हेयर लाइन आई है मेरी। सिर्फ इस नेचुरल हेयर लाइन की वजह से ही मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो है यूजेनिक से करवाया था। 4 महीने की जर्नी इस तरह रही है कि thank you.
मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे मुझसे मिलना, मेरी हेयरलाइन देखना कि कहीं ये रिज़ल्ट नकली तो नहीं है। तो प्लान बना रहा हूँ मैं कुछ, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई सजेशन आपकी तरफ से। ये टेम्पोरल अगर आप देखें थोड़ा हल्का है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आना काफ़ी बाकी है। ये मेरी हेयर लाइन बन गई है, यहाँ पर हेयर लाइन बिल्कुल थी नहीं, अजीब सी हेयर लाइन थी, लेकिन अभी हेयर लाइन एकदम नेचुरल हेयर लाइन आई है। अगर किसी ऐसे बंदे को दिखाऊं जो हेयर ट्रांसप्लांट के, जिसे नहीं पता हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो समझ नहीं पाएगा अब मेरा रिज़ल्ट को देख कर कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और डोनर एरिया भी दिखा देता हूँ, पीछे बाल थोड़े गीले हैं लेकिन फिर भी चार महीने में तो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ होना है या नहीं होना। और अभी बालों की सेटिंग होनी है, थोड़े साइड से बड़े हो रहे हैं, एक बार सेटिंग हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और बढ़िया लुक आएगा। लुक तो अभी भी अच्छा आ रहा है मुझे लगता है, बाकी आप बताइएगा कमेंट में कैसा लुक आ रहा है। ये मेरा टेम्पोरल काफ़ी अच्छा आया, और इसका रीज़न ये है कि ये पहले हेयर ट्रांसप्लांट में भी बन गया था और सेकंड में इसका करेक्शन किया गया, इसमें से डबल ट्रिपल निकाले गए, तो ये ऑलरेडी था। और ये वाला जो है ये पिछले वाले क्लिनिक ने बनाने ही भूल गए थे, तो इसको जो है दोबारा बनाया गया है, तो इसलिए पूरा रिबिल्ड होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हल्के हल्के बाल लगाए गए, जो एक नेचुरल लुक होना चाहिए टेम्पोरल का वो दिया गया है इसको। तो लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट आता है टेम्पोरल का। बाकी हेयर लाइन का आप देख ही रहे हैं, अभी इसमें डेंसिटी आनी काफ़ी बाकी है। इसके अलावा एक PRP मैं ले चुका हूँ 4 मंथ में, और मेरी आगे भी PRP रहेंगी, मेरे पैकेज में काफ़ी है PRP, अभी PRP से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा मेरा रिज़ल्ट, कैसा लग रहा है अभी तक आपको, और क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे, और मिलना चाहेंगे तो क्या आइडिया है आपके माइंड में, किस तरह से हम मिल सकते हैं, कोई जगह कोई प्लेस हम डिसाइड करें और हम आप सब आकर मिल लें। और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यार अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं ना, सिर्फ हेयर लाइन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा हर क्लिनिक की, जिस क्लिनिक की हेयर लाइन बढ़िया हो वहीं पर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।